Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargahpura, Bidar. And Safa Multi Speciality Hospital, Specialist Doctors, Gynecologist and Pediatrician, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। कर्नाटक के जिला बेदर में हज 2022 को जाने वाले आजमीन हुज्जाज इकराम को अंजुमन खादिम अल हजाज के जेर एहतमाम 3 जून बाद नमाज जुमा शहर की जामा मस्जिद में आजमीन हज के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुनक्द किया गया। हर साल की तरह इस साल भी जिला इंतजामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए। इस प्रोग्राम में माहिर अमराज डॉक्टरों ने शिरकत की और आजमीन हुज्जाज को मशवरा देते हुए कहा कि हज के दौरान हुज्जाज इकराम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और डॉक्टर्स के बताए गए एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें ताकि हज के दौरान आजमैन हज हर बीमारी से महफूज रह सके। मैं आप तमाम आजमीन हज को मुबारकबाद देता हूँ कि 2 साल के बाद ये जो सर्विस शुरू हुई है इसमें जो है दीन इस्लाम के सबसे एक अहम फर्ज रुकन को आप जो है अदा करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हज मकबूल और मबरूक करे। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि और दो डॉक्टर्स को भी आपको सुनना है, मुख्तसर मैं अपनी बात आपके सामने रखकर अपनी जगह ले लूंगा। 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज हुआ है, फिर 2020 में कोविड से ऐन खबल भी एक उमरा का शर्फ हासिल हुआ है। तो जो जो परेशानियां सेहत के मुताबिक वहां पे मुझे दिखी हैं और आपको अपनी सेहत का कैसा ख्याल रखना है, बस उसी के ताल्लुक से आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो आप वैक्सीन ले रहे हैं उसके ताल्लुक से मुख्तसरन आपके सामने ये बात रखूंगा कि जो वैक्सीन है ये मेनिंजोकोकल वैक्सीन आपको दिया जा रहा है। मेनिंजाइटिस बल्कि एक बीमारी होती है, ब्रेन के ऊपर आपके दिमाग के ऊपर एक 3 लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स की जो है इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो मेनिंजाइटिस जो इन्फेक्शन है उसकी वबा सऊदी अरब में हज के द्वारा न फैल जाए इसको जो है कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। हर हाजी को, चाहे वो हिंदुस्तान से जा रहा हो, चाहे वो अफ्रीका से जा रहा हो, चाहे वो अमेरिका से जा रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से जा रहा हो, हर अराउंड द ग्लोब सारे कंट्रीज के जो भी हाजी जो हज करने जा रहे हैं उनको ये वैक्सीन देना कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के ही हाजियों के वैक्सीन देना है, सबको ये वैक्सीन लेना है। माहिर डॉक्टरों में डॉक्टर मोहम्मद मकसूद चंदा, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद ओजेर काजी, डॉक्टर मोहम्मद नजीब फहमी, डॉक्टर राशिद हाशमी और डॉक्टर मोहम्मद अहमद इस प्रोग्राम में शामिल रहे। दो ग्रुप्स के लोग रहेंगे जो सेहतमंद रहेंगे और कुछ अफराद के साथ कुछ पहले से बीमारियां हैं, वहां जाने के बाद सेहतमंद अफराद के लिए भी कुछ बीमारियां होने का खदशा और खतरा मौजूद होता है, तो उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। वो ये नहीं समझ सकते कि हम जवान हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें हमारे लिए कोई खतरा या रिस्क नहीं। और जिन अफराद को पहले से शुगर, बीपी, हार्ट का मसला या कभी किसी को कैंसर हुआ होगा या पैरालिसिस हुआ होगा या कुछ दवाएं अगर चल रही होगी, तो उन तमाम लोगों को भी वहाँ पर जाने के बाद अपनी सेहत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जिस्मानी इबादत है और जिस्मानी इबादत का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी जिस्मानी ताकत का गैर मामूली इस्तेमाल होने वाला है। तो उस ताकत को, जैसे भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कि आप ऐसी चीज़ों में न लगाएं जो फ़र्ज नहीं है, बल्कि जितना ज़रूरी है उतनी चीजें आप कर लें और बकिया पूरी ताकत फराइज़ अदा करने में लगाएं। और डॉक्टर मोहम्मद सुहेल हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट MCH 100 बेड हॉस्पिटल ओल्ड सिटी बीदर ने मेडिकल टीम के साथ वैक्सीनेशन के सारे इंतजाम की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी हज
वैक्सीनेशन का काम चल रहा है यहाँ पे जामा मस्जिद में। बेशक दो साल से कोविड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, हाजियों नहीं जा सके थे, इसीलिए इस साल जैसे ही हमें इत्तला मिली कि वहाँ हाजियों का रवानगी है, जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन करना है, तो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस एक दिन के अंदर हम लोगों ने वैक्सीनेशन अरेंज किया और मेनिंगोकोकल और ओपीवी वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी जो ये दे रहे हैं। ये वैक्सीन का तकरीबन 138 लोगों को दिया जा रहा है। बेशक हर साल 350 से 400 वैक्सीन होते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस बार हमारे कम वैक्सीनेशन, कम हाजियों की वजह से कम वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है, अभी तक पूरे वैक्सीन 90% वैक्सीनेशन हो चुके हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बेशक हमारे पूरी एमरजेंसी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम आज़मीन को वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, इसलिए स्टेट हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम को यहाँ बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने ऑर्गेनाइज़ किया और आज के इस मौके पर हेल्थ ऑफिस से और सरकारी दवाखाने से डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर आई और तमाम आज़मीन को पोलियो ड्रॉप्स और जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना वो दे रहे हैं। मैं आज के इस मौके पर तमाम आज़मीन हज को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने आज के इस मौके पर आप लोगों को हेल्थ के बारे में जो मालूमात दी हैं, आप उनको अपने जहन में रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है कि इसमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी चहल पहल की और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है। जब तक आपकी सेहत बराबर नहीं होगी, आप जो है ना इबादत पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए आप अपनी सेहत को बचा कर रखें और आपकी इबादत को पूरी तरह से अच्छे तौर पर कर आएँ। मैं आप तमाम लोगों से इस बात की भी गुजारिश करता हूँ कि आप एक ऐसे मुक़दस सफ़र पर जा रहे हैं, एक ऐसे मुक़दस मुकाम पर जा रहे हैं कि वहाँ पर आपकी मांगी जाने वाली हर दुआ को कबूल किया जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम ज़िम्मेदारों को और फिर शहर के तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानान आलम के बारे में और हमारे मुल्क के बारे में और हमारे शहर के बारे में आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि इस मुल्क को अल्लाह नज़रबद से बचाए और यहाँ पर अमन और शांति पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। द टाइम्स वॉच एंड मोबाइल्स सेल्स एंड सर्विस शॉप एड्रेस Opposite Chitra Corner Main Road Bidar. Contact number 7204332294.